चीन अपनी नई नई चालों के लिए दुनिया भर में बदनाम है। अब चीन के एक नई शरारत का पर्दाफाश हुआ है। हाल ही में ऐसी खबर आई थी कि चीन भारत और अमेरिका जैसे बड़े देशों का डेटा चुराने में लगा हुआ है। दरअसल चीन पर एक बार फिर से ऐसा ही कुछ आरोप लगा है। खबरों के मुताबिक फेस स्वैपिंग ऐप के जरिए चीन लोगों की खुफिया जानकारी जुटा रहा है, लेकिन इस बार चीन के निशाने पर ताइवान देश है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से तनाव चल रहे हैं। ताइवान के अधिकारियों ने देश के नागरिकों को सावधान रहने के लिए कहा है। ताइवान ने अपने नागरिकों को चीनी फेस स्वैपिंग ऐप के खिलाफ सतर्क किया है। ताइवान का दावा है कि इस ऐप के जरिए इकट्ठा हुआ डाटा चीन की वित्तीय धोखाधड़ी करने और ताइवान के नागरिकों का प्रोफाइल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यूयॉन नाम का यह ऐप तेजी से ताइवान के युवाओं में लोकप्रिय हो रहा है। अगर आपको इस ऐप के बारे में बताएं, तो इस ऐप में यूजर को अपनी एक तस्वीर अपलोड करनी होती है, जिसके बाद ऐप खुद ब खुद अपलोड तस्वीर में से चेहरे को निकालकर किसी सेलिब्रिटी के चेहरे से बदल देता है। इसके बाद एक फेक वीडियो तैयार होता है, जिसमें दिखने वाला व्यक्ति बिल्कुल उस सेलिब्रिटी की तरह नजर आता है। इस ऐप को शेंजेन जिंगो डूडू इंटेलिजेंस कंपनी द्वारा तैयार किया गया है। इस कंपनी को नेस्को नाम से भी जाना जाता है। ये कंपनी बायोमेट्रिक सेवाओं सहित इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों की प्रोसेसिंग के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऐप को लेकर की गई जांच के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि ये ऐप गंभीर सुरक्षा खतरा पैदा करता है। इसके द्वारा फेशियल रिकॉग्निशन और ईमेल वेरिफिकेशन की मांग की जाती है। ऐप में साइन अप करने के लिए यूजर को अपने ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करना होता है, फिर एक स्पष्ट फोटोग्राफ को अपलोड करना होता है। इस दौरान यूजर को इस बात का भी ख्याल रखना होता है कि तस्वीर को अपलोड करने के दौरान चश्मा या किसी दूसरी चीज को नहीं पहनना होगा, ताकि कैमरे में स्पष्ट तस्वीर ली जा सके। इस ऐप के इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से लगातार इसकी भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ठीक ऐसा ही विवाद भारत में चीनी ऐप टिकटॉक को लेकर हुआ था, जिसके बाद टिकटॉक भारत में बैन कर दिया गया था। इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 डिजिटल। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।